friends, welcome back to our YouTube channel, our future study. तो चलिए आप लोग first part में idioms देख चुके हैं. आज हम उसका second part देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ idioms color based हैं. I hope आप लोगों को ये video अच्छी लगेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. First of all, feeling blue, feeling unhappy, मतलब दुख महसूस करना. Out of the blue, completely unexpected, जिसकी कभी कोई उम्मीद ही ना की हो. To blue pencil on something, to ban, पाबंदी लगाना. Blue-eyed boy, favorite boy. Blue blood, royal, शाही. 6 point है, once in a blue moon, very rare. मतलब कभी कभी. ब्लू कॉलर वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर, जो अकुशल कारीगर होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स. तो ये हमने ब्लू कलर के देखे, अभी हम दूसरे कलर के देखेंगे. ओके, अब हम नेक्स्ट कलर बेस्ड इडियम्स देखते हैं. रेड कलर बेस्ड, रेड कलर बेस्ड. अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन. अ रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन. रेड कार्पेट वेलकम, मतलब दिल से स्वागत करना. टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी इज्जत के साथ स्वागत करना. रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना. व्हाइल कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करते हुए पकड़ना. रेड हेयरिंग, टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू, मेन मुद्दे से भटकाना. और लास्ट वन है रेड फेस्ड, टू बी एंग्री, गुस्से में होना. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी के इडियम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.